तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक आपको स्टोन वाले मशीन चाहिए कि जैसे आप कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर रहते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि कमेंट में और कॉल करके भी पूछते हैं कि सर हमको स्टोन वाली मशीन लेना चाहिए कि पल्वलाइजर में एक्चुअली बहुत सारे कस्टमर का क्या डाउट है कि उसमें मसाले भी हो जाता है। फ्रेंड्स, मसाले के लिए वो मशीन सक्सेस नहीं है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मसाले के लिए उसमें 3 नंबर में मिर्ची होगा, धनिया होगा, और हल्दी के लिए 0 नंबर या तो 1 नंबर में सक्सेस है। ओनली हल्दी पीसने के लिए सक्सेस मशीन है, और अनाज में आपको जो सब कुछ पीसना है सब कुछ पीसो। बहुत सारे कस्टमर हैं कि बोलते कि वो मैंने वीडियो में देखा था कि यहाँ से पूरा पीस के दे देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको पीस के दिखाते तो ही मशीन लेना, नहीं तो वरना आप फंस जाएंगे। ओके, तो अभी हम पहले आते हैं स्टोन वाले मशीन पे। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट टू में अपन देखेंगे स्टोन वाली मशीन और पल्वलाइजर मशीन में कितना मेंटेनेंस ईयरली आता है, मंथली कितना आता है, और क्या डिफरेंट है, वो सब के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ हमारे पास कौन सा कंपनी का स्टोन मशीन है और उसमें कौन कौन सा स्टोन आता है, क्या मोटर है, क्या फंक्शन है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो को। अभी से लाइक कर दो, फिर वीडियो आप लाइक करना भूल जाते हैं, और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करके आपका कुछ भी डाउट है वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूँ, स्टोन मशीन में दो टाइप के स्टोन आते हैं। एक आता है एमरी स्टोन और एक आता है नॉर्मल स्टोन। नॉर्मल स्टोन बोले तो आपको देखते होंगे कि आपके जो आजू बाजू में चक्की वाले रहते हैं उनको टाचा मारना रहता है, और एमरी स्टोन पत्थर जो रहता है वो डायरेक्ट पत्थर ही चेंज होता है। एमरी स्टोन में टाचा मारने का जरूरत नहीं है। ओके, और जो नॉर्मल वाला पत्थर रहता है उसमें टाचा मार के वो वापस फिट करना रहता है हर 2 महीने या तो 15 दिन के अंदर, जैसा यूज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। वैसा आपको मशीन घस जाता है, जैसा पत्थर घस गया वापस टाचा मारेंगे, वापस फिर आटा बारीक देने लगेगा। ओके, तो इस तरह से रहता है। और हम अभी देखेंगे हमारे पास स्टोन एमरी स्टोन वाला पत्थर है उसमें कौन से कंपनी का मशीन है, कौन से कंपनी का मोटर है, और कौन से कंपनी का मशीन है, दोनों को कवर करने वाला हूँ। चलो अपन वीडियो में देखते हैं कि क्या है उसका होपर कैपेसिटी, कितना एवरेज देता है और क्या क्या फंक्शन है। आओ वीडियो में चलो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है अंजलि कंपनी का। अंजलि का ही हमारा जितने भी मशीन आते हैं, प्रोडक्शन आता है पल्वलाइजर डोमेस्टिक, जितने भी कमर्शियल मशीन है तो 1 HP से लेकर 10 HP तक जितने भी मशीन आते हैं हमारा खुद का सेल्फ अंजलि का ही रहता है। ओके, तो हमारा अंजलि का ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये अंजलि का फ्लोर मिल मशीन है। ओके, तो मैं इसके बारे में पहले बता दूँ, इसमें 2 टाइप के पत्थर आते हैं, एक 14 इंच का पत्थर आता है और एक 12 इंच का आता है। ये है 14 बता दूँ, एक 14 इंच का पत्थर आता है, एक 12 इंच का आता है। ये हमारा 14 इंच का पत्थर है एमरी स्टोन। एमरी स्टोन किसको बोलते हैं, इसमें टाचनी, मैं आपको पहले बता दिया इसमें टाचनी मारने का जरूरत है नहीं, और जो दूसरा वाला पत्थर रहता है उसमें टाचनी मारा जाता है। और दूसरे वाले पत्थर में मशीन का है इतना हैवी मशीन रहता है, जैसा आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, कि वो मशीन सक्सेस नहीं है, उसमें बारीक आटा नहीं होता है। ओके, बहुत मगजमारी, बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से मैं आपको पहले ये बता दूँ, ये है हमारा लीवर, यहाँ से सेट करना रहता है मशीन को। इसको बोला जाता है होपर कैपेसिटी। ये होपर कैपेसिटी हमारा 15 किलो का होपर कैपेसिटी, 3 HP का मशीन है, सिंगल फेस पे इजीली आराम से चल जाएगा। ओके, इसके बाद आता है 5 HP का मशीन जो 3 फेस पे चलता है, वो आपको 3 फेस का कनेक्शन पास कराने के बाद ही चल सकता है। ओके, तो ये एमरी स्टोन पत्थर है, इसको आफ्टर 1 ईयर के बाद एक बार चेंज करना रहता है, कम से कम 1000 कुंटल पीसने के बाद, 1000 कुंटल पीसने के बाद ये पत्थर को चेंज करना रहता है। यहाँ से आपका आटा आउटपुट आ जाता है, और यहाँ पे जो भी थैली बाल्टी वगैरह आता है वहाँ पे स्टील का एक बाल्टी रहता है, वहाँ पे लगाना रहता है, यहाँ से आटा आता है। ओके, यहाँ से एक मोटर को सॉफ्ट पुलिंग के साथ कनेक्ट करके यहाँ से ऑपरेटिंग रहता है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ से हमको सेट करना रहता है आटे को, किस तरह से जारा बारीक करना है, इस तरह से यहाँ पे लीवर को सेट करना रहता है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ओके, इस तरह से सेट करके यहाँ पे छोड़ देना। ओके, उसके बाद क्या, यहाँ पे हमारा आ जाता है MCB ऑन करने के लिए, मशीन को जैसा ऑन करना रहता है यहाँ पे एक MCB आ जाता है ये पूरा, और एम्पियर मीटर भी एक बोर्ड साइड में आता है, कितना एम्पियर मोटर पे लोड देना वो सब कुछ आता है। फिर उसके बाद हमारे मेन आता है मोटर के ऊपर, मोटर कौन से कंपनी का, कौन से क्वालिटी का है। हमारे बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं क्राउंटन का मोटर दो, ये वो दे, तो हमारे पास 2 ही क्वालिटी के मोटर आते हैं। एक हम यूज़ करते हैं गोदरेज कंपनी का, और एक यूज़ करते हैं नागमणी कंपनी का, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का डिमांड रहता है क्रॉम्पटन का अच्छा आता है, अलग अलग अपना डिमांड रहता है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते, हमको 2 ही मोटर पे ट्रस्ट है, एक नागमणी मोटर का आता है और एक आता है गोदरेज का। तो ये मोटर के बारे में बता दूँ यहाँ चाहूँगा, जैसा कि ये है गोदरेज कंपनी का, ये 2250 वाट का मोटर है, 3 HP का, 1440 RPM लेता है,
220 से 230 वोल्टेज पे चलता है एसी पे, ओके। और यहाँ पे मोटर का सभी फंक्शंस लिखा रहता है, ऐसा इस तरह से नागमणि का भी आता है, ओके। तो ये हमारा गोदरेज कंपनी का मोटर है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मोटर का स्पेसिफिकेशन। एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। टोटली मशीन का मोटर का 1 ईयर का गारंटी रहेगा। इसके अंदर का जो पत्थर है एमरी स्टोन का उसका गारंटी नहीं आता है, वो आपको चेंज करके मिलेगा भी नहीं। अगर पत्थर जैसा टूट गया या तो कुछ ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया, इसका लाइफ खत्म हो गया, आफ्टर 1 ईयर के बाद इसको चेंज करना रहता है, या तो 1 ईयर के अंदर या तो 6 मंथ्स के, आपके यूजिंग के ऊपर डिपेंड है कितना यूज़ कर सकते हैं। ये पत्थर का गारंटी वारंटी नहीं आता है, इसको आपको फिर चेंज करना रहेगा। इसका जो भी रहता है चार्जेबल रहता है। मोटर 1 ईयर के अंदर कुछ भी फॉल्ट आ गया तो मोटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके मिलता है कंपनी की तरफ से, ओके। तो इसमें मेन इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं हम। ये प्राइस अलग अलग मशीन, अच्छा जैसे 3 HP का हो गया, इसमें 2 HP भी आता है, और पत्थर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, 12 इंच का 14 इंच का, उसके पत्थर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्राइस होता है। मिनिमम आपको फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग बता दूँ, 35,000 है तो 30 से स्टार्टिंग होता है, 35,000 के आसपास से स्टार्टिंग होता है अगर अच्छे क्वालिटी का लिए तो। अगर आपको नागमणि कंपनी का मोटर दे रहे हैं, गोदरेज का मोटर दे रहे हैं और एमरी स्टोन या तो 14 इंच का पत्थर के साथ मशीन दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, ओके। प्लस उसके बाद हमारा इसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग नहीं है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज उसका आपको अलग से लगेगा, फिटिंग वगैरह चार्ज कुछ भी नहीं है, 1 ईयर तक सर्विस फ्री रहेगा। अगर इसके अंदर का पत्थर डैमेज हो गया वो वारंटी में नहीं आता है। और अभी इसके बारे में हम बताएंगे, ये है पल्वालाइजर मशीन, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, कौन सा मशीन परचेस करना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट और सक्सेस कौन सा मशीन है, ये पार्ट सेकेंड में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो ज़रूर देखना और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको सभी बता गया। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया हो। आपका कुछ भी डाउट है तो मुझे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से मैसेज कर सकते हो, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर या तो कॉलिंग नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, मैं आप सभी का रिप्लाई करता हूँ। जैसा भी आपको मशीन जहाँ पे भी चाहिए मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपका रिप्लाई करके वहाँ से मशीन दिला दूंगा। जब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पल्वालाइजर और इसमें क्या ईयरली मेंटेनेंस आता है, कितना खर्चा रहता है और कौन सा सक्सेस है, उसके नेक्स्ट पार्ट में जब तक के ज़रूर देखना आप उसको। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।